पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना के अंबा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुरैना को हमेशा उपेक्षित किया गया है। मुरैना में सिर्फ खेती, फौजी और मजदूरी ही रह गई है, बाकी रोजगार के यहां कोई साधन नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भले ही मुरैना से बड़े बड़े नेता रहे हैं, लेकिन इस जिले का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ खेती किसानी ही होती है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, रोजगार और आर्थिक गतिविधि का कोई मौका नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ धर्मों के लोग रहते हैं। को मैं आकर मुझे दुख भी होता है, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था या कितने उद्योग है, मैं देख रहा था ये मुरैना जिला बड़े बड़े नेता यहाँ रहे हैं और मुरैना जिले का क्या हाल है, खेती, मजदूरी और फौज, चौथी चीज नहीं है यहां, या कोई रोजगार का मौका नहीं है हमारे नौजवान को में काम में लगेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, ये रेत का पहला अधिकार ये खड़े हुए नौजवानों को होगा। ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो? ये अपना देश है, अपनी देश की अनेकता, अपनी देश की विभिन्नता। कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बीजेपी की गुमराह और कलाकार की राजनीति से आपको सावधान रहना है। इसके साथ ही कमलनाथ ने यह भी दावा किया है कि कोई नहीं रोक सकता है, अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये आज भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है और आप अगर भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है तो आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं। सही बात है, आज बिना पैसे दिए हुए कोई काम नहीं होता। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, मुझे आपको समझाना नहीं कि क्या तस्वीर मध्य प्रदेश की है। आज ये मध्य प्रदेश नहीं, घोटाला प्रदेश है। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और पूरे मुरैना का झंडा, हर सीट का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।